रेलवे अब यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तरह वातानुकूलित एसी शयनयान स्लीपर और साधारण जनरल कोच की अलग अलग वंदे भारत अमृत भारत के अलावा सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे समेत अलग अलग जोन में प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलवे के बीच विमर्श चल रहा है। रेल मंत्रालय की मुहर लगते ही योजना को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इन ट्रेनों के चलने से आरक्षित कोचों में वेटिंग और अनाधिकृत यात्रियों की भीड़ नहीं दिखेगी। जनरल कोचों में भी यात्रियों को आसानी से सीट मिल जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर से दिल्ली आगरा और वाराणसी के रास्ते प्रयागराज सहित 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत के अलावा 17 नई एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें हमसफर एक्सप्रेस की तरह एसी अमृत भारत जैसे स्लीपर और अंत्योदय की तर्ज पर जनरल ट्रेनें चलाने की योजना है। यानी नई एक्सप्रेस ट्रेनों में भी शेडी के कोच नहीं लगाए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने अयोध्या गोरखपुर के रास्ते आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर दी है। गोरखपुर से मुंबई के बीच पहले से ही साधारण कोच वाली 2 अंत्योदय तथा गोरखपुर से आनंद विहार के बीच एसी कोचों वाली हमसफर एक्सप्रेस चल रही है। इन ट्रेनों की सफलता से उत्साहित रेलवे प्रशासन अब इसी तर्ज पर ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। संभावना है कि जल्द ही गोरखपुर से दिल्ली के बीच गुलाबी रंग की स्लीपर वंदे भारत चलने लगेगी। अधिकारियों के अनुसार 26,000 करोड़ से हवाई जहाज जैसी सुविधा वाली 200 स्लीपर वंदे भारत बनाई जा रही हैं।